बीजेपी की और बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी करते हैं बीजेपी की, और यह तशरीफ फरमा है, ये काबिले एहतराम है। इन्होंने सवाल किया कि सड़कों पर जुलूस क्यों उठाया जाता है, सड़कों पर जुलूस क्यों नहीं डाला जाता है, ये एहतजाज क्यों है? एक तो अवलन ये एक जवाब कि पूरी दुनिया में एहतजाज है दहशतगर्दी के खिलाफ। इमाम हुसैन के का ये एहतजाज था करबला से आज तक, क्योंकि मौला हुसैन के कातिल का चेहरा आया करना था कि मौला हुसैन का कातिल कौन है। आज दुनिया में जहां जहां ये जुलूस उठाया जा रहा है ये इस बात की दलील है कि कल भी हुसैन के कातिल को छुपने नहीं दिया था, आज भी छुपने नहीं देंगे, कयामत तक छुपेगा नहीं। एक सवाल यह होता है कि आप लोगों ने हमारे यहां कुछ भाई कहते हैं, मुझे किसी की तरफ जाना नहीं था क्योंकि ये तस्करा हम इसलिए करते हैं ताकि दुनिया आगाह हो जाए कि हुसैन क्या है, शियत क्या है, आले मोहम्मद कौन है, मारिफत अहले बैत क्या है। लेकिन जब सवाल किया जाता है, जब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सवाल यह था कि तुमने ही इमाम हुसैन को कत्ल किया है और तुम ही मातम करते हो, तुम ही पीटते हो और ये सजा है। तुमने इमाम हुसैन को कत्ल किया है, ये अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए मातम करते हैं, ये अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए मातम करते हैं। पूरी तवज्जो, अगर बात सहनों से दिलों तक उतरे तो मैं आखिरी आदमी तक तवल्ला चाहता हूं। सवाल यह होता है कि तुमने मातम किया, तुम मातम इसलिए करते हो कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांग लो, माफी मांग लो काफी के और मुनाफिक के, मुनाफिक के जहन में इतना तो जरूर है कि मातम गुनाहों की माफी दिला देता है, मातम गुनाहों को माफ करा देता है। दूसरा जवाब यह है कि चलो हमने मान लिया तुम्हारी बात कि हमने इमाम हुसैन को कत्ल किया, हम तो नहीं थे, इनमें से किसी की उम्र 1400 बरस नहीं है। भाई बताएं मेरे जवाब का, मेरे सवाल का जवाब दे, इनमें से किसी की उम्र 1400 बरस नहीं है। और रखो सरों पे कुरान, आओ मिला पे काबा पहन के सरों पे कुरान रख के तुम कातिलों के नाम हम बयान करते हैं और नाम लेके लानत करते हैं। कमीने का मोहताज ना रखे। हजारे मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे, जिसकी जिंदगी की जमानत खुदा ले ले और कुरान में ऐलान हो जाए शहीद मरता नहीं है। वरना हजारे मोहतरम एक बात और अर्ज करता चलूं, कुरान की आयत हमेशा के लिए लोगों के लिए एक सवाल बन जाती कि शहीद जिंदा कैसे होता है, लेकिन इमाम हुसैन ने लोग के नजर पर तिलावत करके बताया कि शहीद ऐसे जिंदा। ऐसा ने मोहतरम हकीकत यह है कि पूरी दुनिया आज भी डर रही है हुसैन से, पूरी दुनिया में खौफ है हुसैनियत का। कल यजीद घबरा रहा था, आज यजीदी जमात के बदनस्ल घबरा रहे हैं। और यह भी हकीकत है कि उमर साहब ने दलील दे रहा हूं, इब्ने ज़ियाद ने 4 मुहर्रम को खत भेजा उमर साहब को कि ये बताओ कि हुसैन के लश्कर में हुसैन के कितने खैमा लगे हुए हैं। पूरी तवज्जो 4 मुहर्रम को पहला खत आया, उमर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। 5 मुहर्रम को दूसरा खत आया, कोई जवाब नहीं दिया। 6 मुहर्रम को तीसरा खत आया, ये उमर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया।
सात मुहर्रम को फिर इब्ने ज़ियाद का खत आया, उमर साथ ने कोई जवाब नहीं दिया। आठ मुहर्रम को फिर खत आया कि उमर साथ बता के हुसैन के कितने खैमे लगे हुए हैं, हमें पता हुसैन के कितने खैमे लगे हुए हैं, हमें पता हुसैन के कितने खैमे लगे हुए हैं। नौ मुहर्रम को जब आखिरी खत आया कि उमर साथ अगर तूने आज जवाब नहीं दिया तो मैं तेरे कत्ल का फरमान जारी कर दूंगा, तो एक मतलब पूरी तरह जो उमर साथ कहता है का नाम है जिसे दुनिया
आम इंसान समझती है, आम इंसान को हुसैन नहीं, पूरी इंसानियत को हुसैन कहते हैं। ऐसा मुहतरम, मैं इस पैगाम के साथ अपनी बात को तमाम करूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, जहां कहीं भी जिक्र आले मोहम्मद हो तो ईशान से जिक्र आले मोहम्मद करो, लोग दूर से देख के कहें कि ये हुसैनी है, ये ऐसा है, तो इमाम कैसे होंगे? आपका किरदार, आपका अखलाक ऐसा रहना चाहिए आपको देखकर आपके इमाम की याद आए। आपके हालात और आप जिस मोहल्ले में रहें तो वो तासुरात यही होने चाहिए कि ये मुसलमान अच्छा है तो इस्लाम कितना अच्छा होगा, ये ऐसा है तो इसके नबी कैसे होंगे, ये ऐसा है तो इसके इमाम कैसे होंगे। ऐसा ने मुहतरम, ऐसा ना हो कि लोग हमारे किरदार को देखकर हमारे बुजुर्गों तक पहुंचे, क्योंकि मौला सरकार इमाम ज़माना फरमाते हैं कि कुन लना सैना वला तकुन सैना, तुम हमारे लिए भाई से जीनत बनो, भाई से जिल्लत ना बनना, क्योंकि इस्लाम पीसफुल मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम किरदार का मजहब है। जहां किरदार होगा, क्योंकि इस्लाम तो ये चाहता है कि अगर कोई कंकर आ जाए तो उसे दूर बना दो, दूर आए तो हुर बना दो, हुर आए तो हुर अलैहिस्सलाम बना दो, ये है इस्लाम। ऐसा ने मोहतरम, इमाम हुसैन की कुर्बानी आफाकी कुर्बानी है। मैं इंशाअल्लाह इस मौजू पर फिर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मैं कल सुबह ही लंदन से आया हूँ और वहां डिग्री टेम्परेचर जो था 18 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ क्या हालात है गर्मी के। मैं जानता हूँ मेरे नौजवान मौलाना जी से सलामत रखे, इनके चेहरे देखे, उनकी माए ये बाहरें देखे, खुशियां देखे आले मोहम्मद के सबके में। मैं इस वक्त किस कैफियत में हूँ, मैंने टेम्परेचर भी अपना चेक कराया तो टेम्परेचर भी मेरा बहुत हाई था। ये तकरीर मेरे मौला ने मुझसे करवा दी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी दो एक मिनट खड़े होने के लिए, लेकिन शहजादी तमाम चाहने वालों को, तमाम दुनिया के अदादारों को सलामत रखे। अदादारों, हम कितनी देर फजाइल पढ़ लें, लेकिन दूर से आने वाली, देर से जाने वाली, उसे हमारे फजाइल से कोई रास्ता नहीं। हमारे क्या औकात कि हम फजाइल मौला हुसैन पढ़ लें, ये फजाइल अहले बैत पढ़ लें। हमारे जिसकी कुरान में दाखिली कर रहा हो, जिसकी सनाखानी कुरान कर रहा हो, किसी इंसान के कहां मिसाल है, कहां बस है। लेकिन वो जो दूर से आती है और देर से जाती है, जिसके साथ एक 4 बरस की बच्ची भी होती है, वो सिर्फ मासूम का नजराना लेने आती है। अजादार, आप यहाँ अजादार, हमारे यहाँ सबसे हल्का लफ्ज बोला जाता है कि क्या हुआ, कोई हादसा किसी के यहाँ हो जाए, अजादार इससे ज्यादा हादसा होकर मैं पूरी कर चुका, किसी के यहाँ कोई छोटे से छोटा मामला, कोई छोटी सी छोटी बात हो जाए तो आदमी पूछता, भैया क्या हुआ, क्या हुआ, इससे ज्यादा क्या होगा कि करबला में मीर अल्लामा मीर अनीस फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि अब्बास मर गया, मेरा अकबर से दुआ हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ, आए अब्बास कलेजे में बच्ची का फल लग गया, कोई पूछने वाला ना था, असगर का जनाजा उठा लिया, कोई पुरसाने हाल ना था, अब्बास के बाजू कटे हुए उठा लिए, कोई पूछने वाला ना था। हाँ दादारो, एक 6 महीने का शहजादा जिसके गले पे तीर लगा, अदादारो एक अंग्रेज राइटर लिखता है कि मैंने अकबर की शहादत पढ़ी, मुझे रोना नहीं आया, मेरी माँ बहने सुन रही है जिनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, तकबूर में रखना, वो अंग्रेज राइटर कहता मैंने अकबर की शहादत पढ़ी, मुझे रोना नहीं आया, कासिम के गलाश के टुकड़े पड़े मैंने, मुझे रोना नहीं आया, मैंने ओनो मोहम्मद की शहादत पढ़ी, मुझे रोना नहीं आया, मैंने हुसैन की शहादत पड़ी, मुझे रोना नहीं आया, मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू करबला में देखे, मुझे रोना नहीं आया, लेकिन मेरे सब का बंधन उस वक्त टूट गया कि जब 6 महीने के बच्चे के गले पर तीर लगा और बच्चा मुस्कुरा गया। इस बच्चे को यही नहीं पता था तीर आने के बाद रोया जाता है या आता जाता है।
मैं जब